इसकी तरह मत बनो बस। So what is up guys, कैसे हो सारे के सारे, hope you guys doing well. So guys, welcome to new vlog. मेरा नाम है हनी शर्मा, आप मुझे जानते हो तो ठीक है, नहीं तो स्मैश द सब्सक्राइब बटन, आप मुझे जान जाओगे. मतलब अपने पुराने वाले घर पे आया हूँ, जो मेरा पुराना घर है वो मेरे घर से आई मीन 500 मीटर की दूरी पे है. सो कुछ सामान देने आया था तो सोचा यहीं पर क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करूँ. तो मैं आज आपको अपना पुराने वाला घर एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो गांव झाड़सा में है. सो गाइज, कुछ इस टाइप का लगता था मेरा पुराना घर. तो अभी मैं इसको कहाँ रखूँ, यहीं रख देता हूँ फिलहाल. वो सामने वाला मेरा घर था, ये पूरा मेरा घेर था, ये भी रेंट पे दे दिया है, एंड ये मेरी गली थी और ये सामने ग्राउंड जहाँ पे मैंने गाड़ी चलानी सीखी है. बेसिकली ये जो पूरी गली है, ये पूरी गली हमारी है, मतलब चाचा ताऊ दादा सारे के सारे. इतने दिन से कहीं गया ही नहीं हूँ, घर से बाहर नहीं निकला. तो आज जब मम्मी ने कुछ सामान दिया कि चाचा को दिया, तो मेरे पास टाइम था, मौका था और मैं यहाँ पे आया. तो मैंने सोचा यहीं पे क्यों ना व्लॉग स्टार्ट करें. ये जो रूम था, यहाँ हम मतलब यहाँ सोने के लिए बहुत लड़ाइयाँ होती थी. बचपन में यहाँ सोने के लिए बहुत लड़ाइयाँ की हैं कि हम छत पे सोएंगे. हम बेसिकली उस टाइम हमारे पास घर में इन्वर्टर तो होता नहीं था, तो छत पे ही सारे सोते थे. तो यहाँ सोने के लिए बहुत लड़ाइयाँ की है, इस पे लटक लटक के हमने अपनी हाइट बढ़ाई है. उस टाइम तक हम पहले ऐसे सोचते थे, जिसने यहाँ पे हाथ लगा दिया उसकी हाइट बढ़ गई. तो अब लटकूंगा नहीं, क्या पता टूट गया, बहुत पुराना हो चुका है भाई. अच्छा सा लग रहा है यहाँ आके ना. पहले हम ऐसी मस्तियाँ करते थे. गाइस वन मोर थिंग, एक तो ना ये करना कि भाई आप पूरे रेडी होके क्यों आए हो. भाई पता है क्या है, जब नहा लेता हूँ तो फुल रेडी होके ही बाहर जाता हूँ. तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ. घर आके मैंने जो चीज़, ये मैटर नहीं करता मैं किसके घर गया था, चाचा के घर गया था, मैं घर से निकला था. तो मेरा ये फर्स्ट था कि मैं वापस आने के बाद सारी की सारी चीज़ें सैनिटाइज करूं. तो मैंने अपने कपड़े जो पहन के गया था वो एज इट इज़ धोने के लिए डाल दिए हैं, खुद नहा लिया हूँ. जितने भी इक्विपमेंट लेके गया था, लाइक कैमरा, ट्राईपॉड, ड्रोन, ये सब चीज़, गोप्रो, जो भी चीज़ लेके गया था सब मैंने सैनिटाइज कर दिया डिटॉल के पानी से सब. पर हाँ, ऊपर से सैनिटाइज कर दिया. ब्रूनो भाई को भी नहला दिया है, शालेश को भी नहला दिया है, गुग्गू को. ये 20 दिन जो आप सबको मिले हैं, तो गाइज मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ. जो चीज़ आप करना चाहते थे कि मैं घर पे होता तो ये करता, घर पे होता तो वो करता, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रहा, मैं फैमिली को टाइम दे रहा हूँ, जो चीज़ करने की सोची थी ना वो चीज़ करो. और जो चीज़ आपने बहुत पहले की थी कभी वो भी ट्राई करो अगर आप कर सकते हो तो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ. 2 साल से आया हुआ है, 2 साल से मैंने ट्राई नहीं किया कभी बजाने का, क्योंकि बजाना ही नहीं आता था. तो अब मैं कर रहा हूँ 20 डेज चैलेंज, जो कि मैंने 20वें दिन ही ले लिया था. तो मैं इसे 3 दिन हो गए मुझे बजाते, मेरे हाथ इतने दर्द कर रहे हैं ना, ये 4 उंगलियाँ बहुत ही ज़्यादा, समझा नहीं सकता. तो 4 दिन 20 दिन का चैलेंज लिया है, देखते हैं कुछ अगर आएगा तो मैं आप सबको सुनाऊँगा आने वाले ब्लॉग में. सो एक चीज़ तो ये और एक ये, लाइक मैं 4 साल पहले ड्राइंग करता था जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं किया था. और उससे पहले मैंने सोचा था कि कभी मैं ड्राइंग में मेरा करियर कुछ आगे निकल जाएगा. आज मेरे पास वही टाइम है क्योंकि फैमिली को मैं टाइम दे रहा हूँ, फैमिली को टाइम तो मिल ही रहा है, घर पे बैठा हूँ. खाना बनाना मैंने बहुत अच्छा सीख लिया है,
तो इन दिनों मैंने खाना बनाना बहुत अच्छा सीख लिया है। स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, जितना सोचा जाता है उतना सोचता हूँ। थर्ड थिंग ये आती है कि मैं घर बैठ के लाइक जैसे मैं पहले स्केच करता था वो करूँ, तो मैं खुद ही की फ़ोटो बना रहा हूँ। जब ये पूरी हो जाएगी, अभी हो जाएगी, आधे पौने घंटे में, मैक्स एक घंटा लगाता था मैं पहले, तो अभी हो जाएगी ये पूरी। जैसी पूरी हो जाएगी आप सबको दिखाता हूँ। तो मैं तो अपने सारे काम कर रहा हूँ जो जो मेरे को करने चाहिए यार, जो मैं सोचता था करता, मैं इस टाइम घर होता तो ये कर रहा होता, इस टाइम ये कर रहा होता, इतना काम है, ये वो सब चीज़ को साइड रख के इसकी तरह मत बनो, बस तरह मत बनो। साला सारा दिन उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, उठता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। क्या कहता है अभी तू, हैं क्या करता है, पूछ रहा हूँ तेरे से, हैं। जोक्स अपार्ट, इसकी तरह मत बनो, फिर भी बता रहा हूँ, इसकी तरह मत बनो। तो जो आपका मन है वो करो यार, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड तो कर रहे हो, मैं ज़्यादा बोर करूँगा नहीं आप सबको वो बातें रिपीट करके। तो फिलहाल ये देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। चार साल बाद बनाई है मैंने ये, पहले और थोड़ी अच्छी बन जाती थी, बट हाँ बढ़िया बढ़िया लग रही है। सो गाइज अब तो देख लिया मैंने ही बनाई है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, जितना हो सकता है उतना फैलाओ इस व्लॉग को, जितना हो सकता है। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। यार मेरे को ना कमेंट करके बताओ कि आप सब क्या कर रहे हो घर पे, सो दैट मैं उसके ऊपर कोई वीडियो बना पाऊँ। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ मेरे को क्या कर रहे हो, एंड खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, जितना हो सकता है उतना मेरी वीडियोज, उतने मेरे व्लॉग देखते रहो। थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं।